दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। ये मेरे पास स्विच है, इंडिकेटर स्विच है HF डीलक्स का, लेकिन कोई भी गाड़ी का हो, अगर आप लोगों के पास हो नहीं, दुकान वाले के पास अपन लेने जाते हैं तो दुकान वाले बोलते हैं खोलने के बाद से वापस नहीं होगा। तो आप लोग अपने हाथ से कैसा चेक करेंगे मल्टीमीटर से, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो मल्टीमीटर का जो मोड है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मल्टीमीटर कॉन्टिन्यूटी मोड पर होना चाहिए, ठीक है। और ये स्विच का कौन सा फंक्शन चेक करने का उसके ऊपर है। तभी ये हॉर्न स्विच ही चेक करना है पहला। ये ग्रे कलर का वायर है, एक ये पिंक कलर का वायर है। ये पिंक कलर के वायर में इसको एक वायर अपन लगा दिए, ये हॉर्न स्विच के लिए काम करता है। यहाँ से करंट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ब्लैक वाले में करंट आएगा। तो जब इसको यहाँ पे एक वायर रखेंगे और इसको एक रखेंगे, फोन का स्विच प्रेस करो, फोन का स्विच प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये नंबर में मल्टीमीटर में बीप बजेगा। तो ये स्विच ओके है, कौन सा हॉर्न स्विच। इसी स्टेप में दूसरा अपन चेक करते हैं, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब ये ग्रे वायर के अंदर डालूंगा, और ग्रे वायर के अंदर ये मैंने वायर को डाल दिया, ठीक है, और ये वायर को वापस इधर रख दिया। अब सिंगल लाइट चालू करेंगे, ठीक है, ये मैंने लेफ्ट का चालू किया, ठीक है, ये स्विच खराब भी है, लेफ्ट का चालू किया तो ये लाल वायर के अंदर होना चाहिए। तो ये कोने पे वायर डाला, ये नंबर कुछ आगे पीछे नहीं हो रहा, बीप भी नहीं बज रहा, ये सिंगल लाइट का प्रोब खराब है। वापस राइट में किया लेकिन ये काम नहीं कर रहा। अब उसको छोड़ते हैं, अब हेडलाइट का चेक करते हैं। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कौन सा वायर आता है हेडलाइट के लिए। तो अंदर तो पीला वायर आता है जो चार्जर से आता है, तो पीले वायर के अंदर एक वायर अपन यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। और एक ले लेंगे बीच में वाइट वायर है उसके अंदर, ये बीच में वाइट वायर ले लिए, एक वायर को यहाँ पे लगा देंगे और इसको हेडलाइट को चालू कर दिए। ये हेडलाइट चालू है, अब ये बीप नहीं बज रहा है क्योंकि ये हाई पे है, अभी ये लो पे किया, ठीक है, तो यहाँ पे बीप बज रहा है, ठीक है। एक पॉइंट तो चालू हो गया लो का। अब इसको ये वायर को निकालता हूँ वाइट वायर में से और ब्लू वायर में डालता हूँ, ये इसके मेन वायर में रखा हूँ जो मैग्नेट से करंट आता उसी का, उसके अंदर एक डाला और एक है ब्लू वाले में, ये ब्लू वाले वायर के अंदर लगा कर रखा हूँ। और एक मल्टीमीटर के प्रूफ को यहाँ पे रखूँगा और दूसरे वाले को यहाँ पे रखूँगा, तो मल्टीमीटर में बीप बजना चालू हो गया, ठीक है। और ये हेडलाइट है, हेडलाइट के अपर डिपर को चेक किया, अभी इसके डिम लाइट को चेक करेंगे। तो जस्ट इसके नीचे ही है ये चॉकलेटी वायर, ये चॉकलेटी वायर है, डिम लाइट के लिए काम करता है, तो उसको भी चेक करना है। तो ये वायर को यहाँ पे डाल दिए अपन चॉकलेटी वायर में, और ये वायर को निकाल के ये पीले वायर के अंदर रखेंगे क्योंकि पीले वायर से ही कनेक्ट होगा वो, ये पीले वायर में लगा दिया। एक वायर यहाँ पे रखूँगा और दूसरा मल्टीमीटर का यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बीप बजेगा। तो ये सब स्विच सही है, खाली इसका हेडलाइट का जो है, ये सिंगल लाइट का यही काम नहीं कर रहा, उसके लिए मैकेनिक भाई ने बदली किया है। लेकिन कभी भी अगर आप लोगों को चेक करना है तो इसी स्टेप में चेक करने का। और दूसरा इसका डी कलर स्विच का आता है, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, तो ये वायर को यहाँ पे रख दिए और दूसरे वायर को इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। अब ये जो दो वायर है, ये ग्रीन पे रेड है, ग्रीन है, ये ग्रीन बॉडी अर्थात है, ये बॉडी अर्थात है, और ये यहाँ से रिले के ले जाता है। एक वायर को यहाँ पे रखेंगे, एक वायर को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे बीप बजेगा। तो ये साबित होगा कि यहाँ से वायर जो है ये भी वायर ओके है, क्लियर टूटा नहीं है। तो कोई भी गाड़ी का HF डीलक्स का है, लेकिन कोई भी गाड़ी का अगर आप लोगों को चेक करना हो तो इसी स्टेप में आप कोई भी स्विच, ये सिर्फ मल्टीमीटर से आप लोग चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।